के बाद पे जैसे सलमान गए हैं, जिया और फलक की लड़ाई हो गई और फलक इतनी सारी बातें जिया के पीठ पीछे कर चुकी है, भाई सलमान खान वो चीज तो सामने नहीं लेके आए। जिया ने भाई जो बात की है वो चीज सामने लेके आ गई, मिर्ची लगा गए और वहां पर फलक जो है अपने आप को इतना महान समझ रही है कि जैसे इसने पीठ पीछे तो बात की ही नहीं होगी। वहां पर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सलमान खान ने बोला कि भाई जिया तुम अपना बता दो कि तुम पीठ पीछे जो बात करती हो तो फलक से भी बात, फलक के मुंह पे बोल दो। जिया तभी भी बताने लगते, तभी भी क्लियर नहीं करते। अभी भी जो है अविनाश आ जाते बीच में, तू डरती क्यों आप फलक से? भाई वो बोले मैं फलक से कब डरती, पूजा मैम से डरती हूँ पर फलक फलक से नहीं डरती हूँ। बोले तू मेरे पीठ पीछे क्या बात कर, भाई क्या बात कर रही थी, तेरे सामने आके भी बात कर रही थी मैं, तूने उस चीज को कैजुअली लिया, तूने एक्चुअली में मेरी चीज समझी थी। वहां पे फलक क्या चीज शुरू कर रही है भाई कि उसको हैंडल करना बोलते हैं, तुम्हें हैंडल करना नहीं आता है, उसको मैं आराम से ले रही थी, तुम ऐसा तुम पीठ पीछे बात करोगी तो मुझसे बात मत करो। तो जिया बोली अगर तू भी ऐसी टोन में बात करेगी ना तो मुझे भी नहीं बात करनी, जा यहाँ से। तो जिया ने मस्त घमासान जो है फलक को दिया है और जिया ने बोल दिया तुम्हारे इन चीजों के कारण जो है ना मैं रोते हुए नहीं बैठूंगी, अगर तुझे बात नहीं करनी है तो तू बात मत कर, कभी भी बात मत कर, मेरे को भी बात नहीं करनी। सही बात है, जिया ने मस्त दिया फलक को और फलक जो है अभी रो रही है। मुझे इस पॉइंट पे फलक जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव लगी है कि भाई तूने क्या पीठ पीछे जिया के बारे में बात नहीं की, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके लात मारेंगे इस ग्रुप से निकाल के, जब ये आएगी हम लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे नहीं, इसको आने दे, इसको ये करेंगे वो करेंगे, हमेशा तो तुम टोंड मारती रही हो, पीठ पीछे अविनाश के साथ बैठती, तुम जिया के साथ जिया के बारे में इतनी ज्यादा गॉसिप्स करती हुई रही हो, बिचिंग करती रही हो और अब बड़ी महात्मा बन रही हो कि तुम्हारी पीठ पीछे बात नहीं होना। भाई आपको क्या लगता है, कैसा लगा आपको फलक का रिएक्शन, नेगेटिव था या आपको रिएक्शन सही लगा, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।